हेलो एवरीवन वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स जहां आपको 100 परसेंट फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है मतलब यहां आपको एक या दो चैप्टर पढ़ने के बाद किसी भी तरीके का कोई पेमेंट करने की नीड बिल्कुल नहीं होती है साथ ही आप यहां पर सी यू टी एन एस सी जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन भी कर सकते हो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट

फुल चैप्टर को एक वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं मतलब पूरे चैप्टर को रिवाइज करने वाले हैं होप आप सभी ने इस चैप्टर के वीडियो लेक्चर्स को देखा होगा और यदि कोई डाउट रिमेन है अभी भी तो आज की इस वीडियो से आपके सारे डाउट सॉल्व हो जाने हैं और साथ ही चैप्टर आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हंड्रेड पक्का हो जाएगा सो so स्टूडेंट्स कंप्यूटर एप्लीकेशन का पूरा सिलेबस हम कंप्लीट कर चुके हैं सारे चैप्टर्स हमने कंप्लीट कर लिए सभी चैप्टर्स के टॉपिक वाइज वीडियो लेक्चर्स थियोरिकल क्वेश्चन एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन एमसीक्यूज वन शॉर्ट रिविजन विद प्रैक्टिकल्स चीज़ कंप्लीटेड जो स्टूडेंट्स न्यू हैं, डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड कर करके भी सारे हंड्रेड परसेंट फ्री ऑफ कॉस्ट कितनी भी बार एक्सेस कर सकते हो सो so ये तो वही बात कैसे आप कोर्स कंटेंट को एक्सेस कर सकते हो और अब हम स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो को जिसमें हम इस चैप्टर को समझेंगे सो so प्रीवियस वीडियो में हमने चैप्टर नंबर एट जिसमें पाइथन रिवीजन को कंप्लीट किया था जाना था, Python, programming language होती क्या है उसके fundamentals को कंप्लीट किया था और आज हम उन्हीं को इस के थ्रू right? होता।, होता है और almost सभी programming language के जो fundamentals से वो सेम ही होते हैं राइट right? जैसे हिंदी इंग्लिश यदि हमें सीखना होती तो हमें कुछ ग्रामेटिकल पोर्शन को लर्न करना होता है।, है ना कैसे आपको सेंटेंस बनाना है किस तरीके से आपको आ, आगे फॉर्मेशन करना है राइट right? जो आपको सारी चीजें सीखनी होती

वे प्रोग्रामिंग uh, लैंग्वेजेस में सिमिलर ही होते हैं राइट बस यहाँ पे थोड़ा सा सिंथेटिकली हम बोले कि डिफरेंस हो सकता है बाकी वही इफ इफ एल्स फॉर लूप वाई लूप ये सारे आपके लूपिंग और कंडीशनल स्टेटमेंट्स में ही इंक्लूड होते हैं और जो सबसे मेन पार्ट होता है ना कोडिंग करते टाइम आपको इनका यूज़ कैसे करना है वही बेसिकली आज हम सीखेंगे राइट सो so, जैसे अभी तक हमने देखा जो प्रोग्राम्स बनाए क्रिएट किए उसमें आपने क्या देखा कि हमने सिक्वेंशली प्रोग्राम्स को रन किया सिक्वेंशियली ही एक एक लाइन बाय लाइन प्रोग्रामिंग में जो भी कोड है राइट सभी का एक डेडिकेटेड बनाया हुआ है जिसमें हमने था कि पाइथन को कैसे आपको इंस्टॉल करना है कितने मोड में आप काम कर सकते हो इंटरेक्टिव मोड स्क्रिप्ट मोड के बारे में भी समझा कौन कौन से प्लेटफॉर्म है जहां से आप पाइथन को एक्सेस कर सकते हो ये सभी पर अवेलेबल वीडियो हैं प्रैक्टिकल के साथ डीएस स्टूडेंट्स ओके okay? डिटेल में सारी चीज डिस्कस की है सो सिक्वेंशियल टाइप की प्रोग्रामिंग अभी तक हमने देखी क्या सिक्वेंशियल टाइप मतलब कुछ इस तरीके से एक एग्जाम्पल के बेसिस पे यदि आप समझो तो a इज इक्वल्स टू टेन बी इज इक्वल्स टू ट्वेंटी सी इज इक्वल्स टू ए प्लस बी यदि आपने किया और फिर यदि आपने प्रिंट करवाया c को राइट right? तो ये एक सिक्वेंशियल टाइप का प्रोग्राम हुआ सिक्वेंशियल टाइप मतलब आपने यहां एक वेरिएबल डिफाइन किया ए जिसमें टेन वैल्यू असाइन की दूसरा वेरिएबल डिफाइन किया बी जिसमें आपने ट्वेंटी वैल्यू असाइन की फिर आपने थर्ड वेरिएबल सी में ए प्लस बी को प्लस करवाया दैट मीन कि टेन प्लस ट्वेंटी तो सी में असाइन हो गया थर्टी और इस वैल्यू को सी की वैल्यू को आपने फिर प्रिंट करवाया अब इनमें से एक भी ऐसा स्टेप नहीं है जिसको आप या तो ऊपर नीचे करके लिखो या आप ए भी डिफाइन नहीं करते हो, तो सिर्फ सी से स्टार्ट कर लो या प्रिंट फंक्शन यूज मत करो प्रिंट फंक्शन को पहले ही यूज कर लो सी की वैल्यू पहले ही प्रिंट करवा लो ऐसा हम बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। यहां पे ये जो आपने फंक्शन लिखा है जो आपने कोड लिखा है स्पेसिफिकली जो प्रोग्राम आपने लिखा है ये सिक्वेंशियली एग्जीक्यूट होगा पहले ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी फिर ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी फिर ये फिर ये इनमें से कोई भी ऐसा स्टेप नहीं है या कोई भी ऐसा लाइन नहीं है जिसको आप पहले या बाद में लिखो एक सिक्वेंस में ही सारी चीजें हो रही हैं जैसे आपको चाय बनाना होता है तो क्या करते हो आप एक स्टेप बाय स्टेप सारी प्रोसेस को फॉलो करते हो ना ठीक है ऐसा तो नहीं है कि आप बिना गैस ऑन किए पूरा चाय बना लोगे नहीं राइट right? सो so, किसी भी काम को करने के लिए step, एक एक स्टेप सीक्वेंस को हमें फॉलो करना होता है बिल्कुल यहाँ पर भी वही है प्रोग्रामिंग में आप जब सिक्वेंशियल टाइप की कोडिंग करते हो सिक्वेंशियल स्टेटमेंट्स का यूज करते हो तो ये स्टेटमेंट्स एक सिक्वेंस में लिखे जाते हैं और सिक्वेंस में ही इंटरप्रिटर इन्हें एग्जीक्यूट करता है बात समझ में आई अब इसके अलावा भी यहां पर और दो टाइप के स्टेटमेंट्स होते हैं जिन्हें आज इस वीडियो में इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे सो पाइथन के जो स्टेटमेंट्स होते हैं कुल मिला के कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना ही है कि वो तीन टाइप के होते हैं कौन से तीन टाइप के पहला हुआ आपका सिक्वेंशियल जिसे हमने प्रीवियस चैप्टर में डिस्कस किया ठीक है सिक्वेंशियल स्टेटमेंट्स दूसरा होता है आपका कंडीशनल स्टेटमेंट्स और तीसरा होता है लूपिंग स्टेटमेंट्स राइट right. सो so, ये तीन टाइप के पाइथन में स्टेटमेंट्स होते हैं सिक्वेंशियल स्टेटमेंट जो वन बाय वन लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होते हैं वही बात करें कंडीशनल स्टेटमेंट तो सिक्वेंशियल में कोई कंडीशन नहीं होती है कंडीशनल स्टेटमेंट्स में आप कोई कंडीशन के बेसिस पर किसी स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करवाते हो कंडीशन के बेसिस पर स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करवाते हैं राइट सो सिक्वेंशियल स्टेटमेंट्स में तो आप कंडीशन स्पेसिफाई ही नहीं कर पा रहे हो लेकिन यदि आपके कोड में आपको जरूरत हुई कुछ कंडीशन स्पेसिफाई करने के लिए तो क्या करोगे तब हम कंडीशनल स्टेटमेंट्स का यूज करेंगे वही यदि आपको जरूरत होती है कुछ रिपीटेशन की कुछ ऐसा टास्क परफॉर्म करना है जो अगेन एंड अगेन रिपीट हो रहा है

सो वही सर्कमस्टेंसेस के अकॉर्डिंग यदि आपको एग्जीक्यूशन करवाना है तो यहां हम यूज कर लेते हैं कंडीशनल टाइप के स्टेटमेंट्स को लूपिंग टाइप के स्टेटमेंट्स को सो टू परफॉर्म देयर मैनिपुलेटिव प्रोग्राम्स नीड टूल्स फॉर परफॉर्मिंग रिपीटेटिव फॉर मेकिंग पाइथन ऑफ कोर्स सच टूल्स बाय प्रोवाइडिंग स्टेटमेंट्स टू अटेंड सो सो पाइथन में आपको यहां पर डिसीजन लेने के लिए कंडीशन के बिहाफ पर है ना आप कुछ मैनिपुलेट कर सकते हो कुछ चेंज कर सकते हो कंडीशन के अकॉर्डिंग कुछ डिसीजन ले सकते हो उसके लिए यहां पर कुछ स्टेटमेंट्स पाइथन आपको

और इफ एल्स ये दो यहाँ पे हम करेंगे इस में जो कि बहुत ज़्यादा है और साथ ही ये तो डिसीजन लेने के लिए यूज हुआ है ना डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स भी कहलाते हैं एक कंडीशन के बेसिस पे आप डिसीजन ले सकते हो वही यहां पर होते हैं लूपिंग स्टेटमेंट्स भी जो कि कुछ रिपीटेटिव टास्क को परफॉर्म करते हैं रिपीटेटिव टास्क को परफॉर्म करते हैं तो उसके लिए यहां पर हम पढ़ेंगे फॉर लूप और लूप को को ठीक है ये दो स्टेटमेंट स्टेटमेंट हम डिस्कस करेंगे फॉर एंड जो लूपिंग होंगे और इफ और इफ एल्स जो कि कंडीशनल स्टेटमेंट्स होंगे सो so, मिला के कहानी समझ में आ गई कि इस चैप्टर में आपको कंडीशनल्स और लूपिंग प्रोग्राम कंट्रोल स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ना है स्टेटमेंट्स के बारे में पढ़ना है जो इफ इफ एल्स और लूप के अकॉर्डिंग फॉर और वाइल्ड लूप होंगे क्लियर

कि यदि फाइव जीरो से बड़ा है तो यहाँ पे आप क्या प्रिंट करवाने वाले हो क्या स्टेटमेंट लिखने वाले हो और नहीं होता है तो क्या होने वाला है तो यहाँ पे इफ स्टेटमेंट बेसिकली एक कंडीशन के लिए एक डिसीजन लेने के लिए एक स्टेटमेंट को प्रिंट करने के लिए यूज किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ कंडीशन राइट सो द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ इफ स्टेटमेंट टेस्ट अ कंडीशन एंड इफ कंडीशन इवेल्यूएट्स टू ट्रू इट कैरीज आउट सम इंस्ट्रक्शन एंड डज नथिंग इन केस कंडीशन इवेल्यूएट्स टू फॉल्स मतलब यदि कंडीशन ट्रू इवेल्युएट होती है तो इफ स्टेटमेंट आपको एक डिसीजन देता है एक स्टेटमेंट प्रिंट करवाता है एल्स यदि कंडीशन फॉल्स होती है तो यहाँ इफ स्टेटमेंट में कोई भी इसका ऑल्टरनेटिव सोल्यूशन नहीं होता है प्रोग्राम कंट्रोल कुछ भी रिटर्न नहीं करता है सिंटेक्स देखो कैसे यूज़ करना है जो मैंने अभी लाइंस बोली ना ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइंस है जो भी इफ ब्लॉक में लिखा होगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा यदि इफ कंडीशन ट्रू नहीं होती है फॉल्स होती है, तो इट डज नाथिंक इनकेस द कंडीशन इवेल्यूएट टू फॉल्स ये याद रखना ठीक है

राइट लिखने का तरीका समझ में आया इफ कंडीशन देन आपको लगाना है कॉलन कॉलन लगाने के बाद यहां स्पेसेस लीव हो जाएगी स्टेटमेंट्स लिख पाओगे तो ये जो स्पेस यहाँ छूट रही है ना बेसिकली बताता है कि आप इफ ब्लॉक में काम कर रहे हो आप इफ ब्लॉक में कुछ स्टेटमेंट्स लिखने वाले हो या आप इफ ब्लॉक में आ चुके हो ओके क्लियर नाउ

इसके बाद आपको कंडीशन लिखनी है कंडीशन दी हुई है कि ch ch एक वेरिएबल है कैरेक्टर है इज इक्वल्स टू तो उसको चेक कर रहे हो आप क्या वो कैरेक्टर बराबर है किसके स्पेस के फिर लगा दिया कॉलन तो कंडीशन आपकी ये है कैरेक्टर में जहां स्पेस मिलेगी कैरेक्टर में जहां पर भी स्पेस के इक्वल हुआ तो क्या होगा जो स्पेसेस हैं वो एक से इंक्रीमेंट हो जाए प्लस इक्वल 1 और जो कैरेक्टर्स हैं वो भी प्लस 1 इंक्रीमेंट हो जाए राइट right. अब ये देखो यहाँ पर कैसे पता चल रहा है कि इफ का ब्लॉक है क्योंकि यहाँ इसके बाद आपको ये इंडेंटेशन दिख रहा है, दिख रहा है।, इसका यहाँ से हुआ है। लेकिन यहां रिमूव करने के बाद आपको हुई अच्छे से तो इस एग्जाम्पल का मतलब समझ में आया सपोज हमने कर... में कुछ कैरेक्टर लिखा मैंने लिखा सपोज मैगनेट ओनली इतना लिखा हुआ है क्लियर अब यहां पे कंडीशन चेक होगी इफ

अब मैं कंडीशन लगा रही हूं कि ए इज ग्रेटर देन जीरो ग्रेटर देन जीरो यदि ए जीरो से बड़ा होता है तो प्रिंट कर दे कॉलम लगा के हम लिखेंगे प्रिंट कर दे क्या ए इज पॉजिटिव ए इज पॉजिटिव नंबर राइट सो यहां पे हमने ए में टेन असाइन किया

तो स्टेटमेंट में बेसिकली क्या चेक कर रहे हैं हम? तभी work कर रहा है जब इफ स्टेटमेंट में जो लिखा हुआ है वो तभी बट वॉट अबाउट जब ये कंडीशन फॉल्स इवेल्यूएट हो तब भी कुछ प्रिंट होना चाहिए ना सो so उसी के लिए नेक्स्ट कंडीशनल का हम यूज करते हैं इफ और एल्स का सो so इस एग्जाम्पल से होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा राइट right? यहीं पर हम एक एग्जाम्पल और ले लें कि इफ एज इज इक्वल्स टू हम चेक करवा रहे हैं हमें एक ऐसा प्रोग्राम तो, वो है, है तो हम यहाँ पर एज नाम का एक वेरिएबल बना रहे हैं और एज नाम के वेरिएबल में कंडीशन लगा रहे हैं इफ एज इज ग्रेटर इज इक्वल्स टू 18 यदि एज, एज 18 के इक्वल या 18 से ज्यादा होगी इस एज की वैल्यू तो हम यहाँ पे लिख देते हैं प्रिंट Person is valid. क्या लिख देते हैं सिंगल या डबल इन्वर्टेड right? में लिखना है तो अब एज की वैल्यू यदि आप लिखते हो कितनी ट्वेंटी एज की वैल्यू आप लिखते 20. तो condition हो ट्वेंटी तो कंडीशन चेक होगी यहां पर क्या चेक होगी कंडीशन की एज की वैल्यू ट्वेंटी इज ग्रेटर टू एटीन इफ 20 इज ग्रेटर तो आपकी ट्रू हुई तो ये स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगा पर्सन इज वैलिड वही यदि मैंने क्या लिखा वही यदि मैंने एज की वैल्यू टू लिख दी क्या लिख दी h की वैल्यू टू लिख दी फिर कंडीशन चेक होगी टू के लिए किसके लिए चेक होगी टू के लिए चेक होगी क्या टू बड़ा है एटीन से क्या टू बड़ा है एटीन से नहीं तो कंडीशन यहां क्या हो रही है आपकी फॉल्स तब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा तब तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा तो कुल मिला के बात आपको अब अच्छे से समझ में आ गई कि इफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट देंट इफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट इन केस वेन द कंडीशन बिकम्स ट्रू जब कंडीशन ट्रू होगी तभी यह पर्टिकुलर स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा अदरवाइज ये स्टेटमेंट कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा राइट सो अब ये जो सी एच वाला एग्जाम्पल था कैरेक्टर वाला अभी यह भी आपको क्लियर हो गया होगा इसको और डिटेल में समझ ले इन एन इफ स्टेटमेंट इफ दंडीशनल एक्सप्रेशन इवेल्यूएट्स टू ट्रू इफ दंडीशनल एक्सप्रेशन ये जो कंडीशनल एक्सप्रेशन है इफ इट इवेलुएट्स टू ट्रू

तब भी कुछ होना चाहिए इस केस में कंडीशनल ने दूसरे टाइप का का आपको आपको इफ इफ एल्स एल्स प्रोवाइड किया है 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 सो स्टेटमेंट स्टेटमेंट काम क्या होता होता जब कंडीशन फॉल्स हो जाती है, तब भी आपको एक होता है। कुछ ना कुछ रिजल्ट मिलता है सो दिस फॉर्म ऑफ इफ स्टेटमेंट भी क्या करता है

तो ये एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा ये वाले स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएंगे आई बात समझ में ट्रू होगी तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे कंडीशन फॉल्स होगी तो ये वाले स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे एल्स ब्लॉक में लिखोगे तो यहां पे दो ब्लॉक आपको मिलेंगे इफ और एल्स

टू जीरो वैल्यू जीरो से बड़ी होती है ए की वैल्यू जीरो से बड़ी होती है देन ए इज अ जीरो और पॉजिटिव नंबर एल्स यदि नहीं होती है तो तो भी आपको आउटपुट मिलेगा ए इज अ नेगेटिव नंबर समझ में आ गया

यहां मैंने लिखा a इज इक्वल्स टू माइनस फाइव क्या लिख दिया a इज इक्वल्स टू ये पेन नहीं चल रहा है ओके okay. a a इज इक्वल्स टू माइनस फाइव तो माइनस फाइव क्या हुआ एक निगेटिव नंबर होगा इफ a इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो कंडीशन चेक हुई क्या माइनस फाइव जीरो से बड़ा है तो ये कंडीशन यहां पे क्या इवैल्यूएट हो गई अब फॉल्स तो ये इफ का जो ब्लॉक है ये एग्जीक्यूट नहीं होगा False condition पे क्या क्या होगा आपका else वाला block. Else वाला block क्या लिखा था हमने? Print a is a negative number. तो आपको एक आउटपुट मिलेगा यहाँ भी इस डिसीजन के अकॉर्डिंग इस कंडीशन के अकॉर्डिंग इफ कंडीशन इज फॉल्सिव नंबर ये मैसेज आपको यहाँ प्रिंट हो जाएगा सो होप यू अंडरस्टैंड दिस थिंग समझ में आ गई अच्छे से कैसे इफ और एल्स वर्क करते हैं बस कुल मिला के आपको दो चीजें याद रखनी है यदि कंडीशन फॉल्स होती है तो आपको कोई भी रिजल्ट नहीं मिलता है एल्स ब्लॉक के होने से यदि कंडीशन फॉल्स भी हो जाती है तो आपको कुछ ना कुछ आउटपुट मिलता है एल्स वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है राइट सो फॉर एनी वैल्यू मोर देन जीरो

चलिए अनलाइक प्रीवियसली प्रीवियस प्लेन इफ एटेटमेंट विच डिंग टू फॉल्स द इफ एल्स स्टेटमेंट परफॉर्म सम एक्शन इन बोथ केसेस वेदर कंडीशन इज ट्रू और फॉल्स जो लाइन मैंने अभी आपको कही वो लाइन यहाँ पे लिखी है जिसमें आप देख सकते हो क्या डिफरेंस बिटवीन इफ एंड इफ एल्स यदि क्वेश्चन आता है एग्जाम में बनता है इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है इज द डिफरेंस बिटवीन इफ 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 एंड एल्स एल्स स्टेटमेंट स्टेटमेंट और if -else statement में क्या डिफरेंस है तो यही डिफरेंस आपको लिखकर आना है

तो डिस्काउंट इज इक्वल्स टू सेल्स इनटू 0.10 मतलब 10% सेल्स ऐड हो जाएगी उसका मल्टीप्लाई हो जाएगा डिस्काउंट ऐड हो जाएगा सेल्स में और यदि 10000 से कम सेल्स होती हैं तो ये 10% डिस्काउंट ऐड ना हो के कितना होगा 0.5% ये एल्स वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा सो so, इस तरीके से आप प्रोग्रामिंग करते टाइम इफ एल्स का यूज कर सकते हैं राइट right? मतलब आप कंडीशन स्पेसिफाई कर सकते हो और उसके बिहाफ पे फिर आप कोई रिजल्ट प्रिंट करवा सकते हो सो so, ये एग्जाम्पल भी समझ में आ गया सो द दब स्टेटमेंट कैलकुलेट डिस्काउंट एज टेन परसेंट ऑफ सेल्स अमाउंट इफ इट इज परसेंट और मोर अदरवाइज इट कैलकुलेट डिस्काउंट एज फाइव परसेंट ऑफ सेल्स अमाउंट राइट

दोनों चीजें आपको यहां स्पेसिफाई की हुई है क्लियरली ओके सो फिगर ए दैट इज सिंपल इफ ऑपरेशन एंड द फिगर बी दैट इज इफ एल्स स्टेटमेंट ऑपरेशन लेट एस नाउ अप्लाई दिस नॉलेज ऑफ इफ इफ एल्स इन द फॉर्म ऑफ सम प्रोग्राम्स तो हमने कुछ प्रोग्राम्स भी डिस्कस किए हैं इसके ठीक है मैंने प्रैक्टिकल्स भी आपको करवाए हैं इसके आप वहां से उन प्रोग्राम्स को देख सकते हो डिस्क्रिप्शन में आपको वहां से लिंक मिल जाएगी अब हम डिस्कस करेंगे इफ़ एल्स के बाद द रेंज फंक्शन एंड ऑपरेटर्स इन नॉट इन किन को डिस्कस करने वाले हैं हम रेंज फंक्शन को और ऑपरेटर्स प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था हमने ठीक है अरिथमेटिक ऑपरेटर्स बुलियन ऑपरेटर्स और डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ऑपरेटर्स हमने पढ़े थे रिलेशनल ऑपरेटर्स लॉजिकल ऑपरेटर्स वहीं हमने मेंबरशिप ऑपरेटर का भी नाम सुना था

ठीक है इफ के बाद हमें फॉर लूप बाई लूप पढ़ना है राइट लूपिंग स्टेटमेंट्स पढ़ना है बट बिफोर लूपिंग स्टार्ट हम यहाँ पे ये पढ़ लेते हैं रेंज फंक्शन नॉट इन का क्योंकि इनका यूज उस लूप में किया जाता है सो रेंज फंक्शन ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ध्यान से समझना फिलअप में, में ट्रूफॉल्स वगैरह में दो मार्क के क्वेश्चन में पूछा जाता है द रेंज फंक्शन ऑफ पाइथन जनरेट विच इज अ स्पेशल सिक्वेंस टाइप अस इन पाइथन इज अक्न ऑफ वैल्यूज बाउंड टूगेदर बाय सिंगल ने मतलब जब आप एक सीक्वेंस में एक लिस्ट को प्रिपेयर करना चाहते हो तो हम एक रेंज में वैल्यू को स्पेसिफाई कर देते हैं और उसके अकॉर्डिंग एक लिस्ट प्रिपेयर हो जाती है सपोज मैंने बोला मुझे से लेकर टेन तक प्रिंट करने है तो मैंने यहाँ पे रेंज क्या बताई वन से टेन मैंने क्या बोला वन टू टेन आपको प्रिंट करवाने तो यू हैव टू स्पेसिफाई द रेंज ना सो so, हमने ये रेंज बता दी दैट टू तो इसके अकॉर्डिंग वन टू थ्री फोर अपू टेन तक नंबर प्रिंट हो जाएंगे सो so, यहां पर रिपीटेशन की जरूरत है रिपीटेशन क्या हो रहा है देखो आप प्लस वन प्लस वन होता चला जा रहा है और नेक्स्ट नंबर आपको यहां मिल रहा है उसके बाद राइट right. तो ऐसे जब आपको सीक्वेंस में नंबर्स को प्रिंट करवाना होता है एक लिस्ट प्रिंट करवानी होती है तो यहाँ पे पाइथन हमें एक फंक्शन प्रोवाइड करता है जिसका नाम है रेंज इसको आप इनके पैकेजेस के साथ भी यूज कर सकते हो जैसे पाइथन नंपाई लाइब्रेरी वगैरह जब आप यूज करते हो ना मतलब एडवांस पाइथन के टूल्स को यूज करते हो जब लाइब्रेरी को वहां पर भी इसका यूज होता है बहुत अच्छे से समझ लेना बहुत बेसिक फंक्शन है

इन सीक्वेंस टाइप के अकॉर्डिंग भी आप हो सम आर टाइप में ही इनक्लूड होते हैं ये एडवांस आ जाते हैं जब आप इलेवन ट में आओगे इनका डिस्कशन भी मिलेगा ओके इनका डिस्क्रिप्शन भी आप देखना मैंने पढ़ाया हुआ वेल यदि आपको इच्छा हो देखने की तो वेल आप जब आओगे लेते हो कंप्यूटर सब्जेक्ट तो वहां हम इन्हें डिटेल में समझेंगे सो अब इसको डायग्रामेटिकली व्यू से समझो

क्लियर सो so, ये क्या कहलाते हैं आपके बेसिकली यदि इस तरीके से आपको कैरेक्टर्स को या नंबर्स को प्रिंट करवाना है तो यहाँ पे हम इन सिक्वेंस टाइप्स का यूज कर लेते हैं यहाँ पे हम रेंज फंक्शन का यूज कर लेते हैं और फॉर लूप की मदद से आप इसको एक्सेस कर सकते हो राइट नाउ ऑपरेटर्स इन एंड नॉट इन वो सिक्वेंस समझ में आ गया क्लियर अब ऑपरेटर्स क्या होते हैं मेंबरशिप ऑपरेटर्स बेसिकली ऑपरेटर्स तो हम समझ चुके हैं प्रीवियस वीडियो में यहाँ पे हम समझेंगे मेंबरशिप ऑपरेटर इन और नॉट इन यदि कोई नंबर सिक्वेंस में है तो इन ऑपरेटर ट्रू रिटर्न करेगा और यदि कोई नंबर में नहीं होता है नहीं मिलता है तो नॉट इन ऑपरेटर आपको ट्रू रिटर्न करेगा राइट right? समझ में आया ये जो मेंबरशिप ऑपरेटर्स हैं है ना मेंबरशिप ऑपरेटर्स जो हैं नॉट और नॉट इन ये बेसिकली आपको बुलियन वैल्यू रिटर्न करते हैं क्या रिटर्न करते हैं बुलियन वैल्यू ट्रू या फिर फॉल्स कब इन ऑपरेटर ट्रू रिटर्न करता है इन ऑपरेटर ट्रू रिटर्न करता है जब नंबर मिल जाता है सिक्वेंस में अदरवाइज फॉल्स नॉट इन ऑपरेटर आपको ट्रू रिटर्न करेगा जब नंबर नहीं मिलेगा एल्स दोनों चीज क्लियर सो लेट ऑल्सो अबाउट इन ऑपरेटर विच इज यूज विद रेंज फंक्शन इन फॉर तो इन ऑपरेटर का यूज हम फॉर लूप में करते हैं रेंज फंक्शन के साथ कैसे करेंगे अभी आगे देखेंगे पहले ऑपरेटर को समझ लें

ये एक लिस्ट हमने यहां क्रिएट करी वन कॉमर टू कॉमर थ्री फोर से एक लिस्ट क्रिएट करी और आप चेक करवा रहे हो 3 in, ये 3 वाली वैल्यू क्या इस लिस्ट में है थ्री है तो एक-एक नंबर -एक चेक होंगे yes, इस third sequence पे आपको थ्री मिल रहा है तो ये इन ऑपरेटर आपको क्या रिटर्न करेगा ट्रू देन इट विल रिटर्न ट्रू एस थ्री इज कंटेन्ड इन सीक्वेंस दिस वही नेक्स्ट देखो फाइव इन सीक्वेंस वन टू थ्री फोर यहां पे थ्री की जगह आपने यूज कर लिया क्या फाइव यहां पे क्या यूज कर लिया फाइव क्या फाइव इस सीक्वेंस में है ये जो 5 है इस में कहीं दिख रहा है नहीं नहीं दिख रहा मैच नहीं कर रहा कर है तो ये क्या रिटर्न राइट so, right? समझ में आ गई बात इनकी कि यदि सिक्वेंस में नंबर मिलता है तो ट्रू और यदि सिक्वेंस में नंबर नहीं मिलता है तो फॉल्स ये इन की बात हुई वही नॉट इन को आप डिस्कस कर लेते हैं तो बट फाइव नॉट इन वन टू थ्री फोर अब इस में आप क्या देख रहे हो सीक्वेंस में आपको फाइव मिल रहा है नहीं मिल रहा है ना नॉट इन का यूज कर रहे हो नहीं मिल रहा है फाइव नॉट प्रेजेंट इन दिस सिक्वेंस तो क्या रिटर्न करेगा ये आपको यहां पर ट्रू नॉट इन क्या करेगा रिटर्न ट्रू तो ये क्या काम करता है फाइव नॉट इन ऑपरेटर विल रिटर्न ट्रू एस ट्रू दैट द वैल्यू इज नॉट कंटेन इन द ऑपरेटर ऑपरेटर नॉट इन इन डज अपोजिट ऑफ मतलब कुल मिला के का ऑपोजिट वर्क करता है राइट समझ में आया इस पर कंफ्यूजिंग क्वेश्चन बन जाते हैं एग्जाम में सो so आपको कॉन्सेप्ट यदि क्लियर है मेंबरशिप ऑपरेटर को लेकर राइट तो कभी भी आप गलत आंसर नहीं करके आओगे राइट

If में जैसे इफ यूज करते हैं यहां पे वैसे फॉर यूज करोगे जिस वेरिएबल की वैल्यू को आपको आगे बढ़ानी है उस वेरिएबल का नाम लिखोगे इन जिस सिक्वेंस के अकॉर्डिंग आपको आगे बढ़ाना है इन का यूज करना है राइट right? फिर आपको वो स्टेटमेंट्स लिखना है जिसकी वैल्यू आपको रिपीट करनी है फॉर एग्जाम्पल ये ये जनरल सिंटेक्स है इसको हम सिंटेक्स कहते हैं बेस है इसी के बेसिस पे फिर हम एग्जाम्पल्स देखेंगे तो ये ध्यान रख लेना क्या लिखा है फॉर एग्जाम्पल फॉर ए एक वेरिएबल है इन वन फोर सेवन

एक इंडेंटेशन सेट हो जाएगा इट कि अब आप फॉर लूप में आ चुके फॉर लूप में आप लिख रहे, यहाँ पर क्या? Print, इस की को आप रहे आपकी होगी फिर इस ए की वैल्यू अगेन आपकी होगी फोर फिर इस प्रिंट ए की मदद से फोर प्रिंट होगा फिर इस ए की वैल्यू होगी सेवन इस प्रिंट से ए की, की मदद से फिर सेवन प्रिंट होगा तो इस सिक्वेंस में जितने भी नंबर होंगे वो सभी ए की वैल्यू बनते चले जाएंगे और ये लूप कॉन्टीन्यूसली चलेगा जब सिक्वेंस स्टार्ट होगा और जब सिक्वेंस एंड होगा मतलब इस ए की वैल्यू पहले वन बनी फिर लूप चला ए की वैल्यू प्रिंट हो गई फिर लूप अगेन स्टार्ट हुआ फिर से ए की वैल्यू, वैल्यू प्रिंट हुई और ए की वैल्यू यहां पर सेवन प्रिंट हो जाएगी तो आउटपुट क्या रिटर्न होगा आपको वन फोर सेवन राइट समझ में आ गई बात तो कैसे रिपीटेशन हो रहा है एग्जाम्पल क्लियर ओके इसको डिटेल में समझते हैं आप

मतलब सीक्वेंस की एक एक वैल्यू प्रिंट होगी एक एक बार लूप चलेगा जितने में में डेटा आइटम्स होंगे। कोड क्या लिखा 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 हुआ है में, लिखा है है, लूप वो वो मैटर। प्रिंट प्रिंट ए कोई मैसेज करवाना जो भी लिखा होगा वो होगा।

अब हम समझते हैं एक और एग्जाम्पल इसका ये तो समझ में आ गया होगा कंसिडर अनादर फोर लुप अनादर फोर लुप देखो क्या दिया हुआ है ध्यान से देखना यहां पे लिखा हुआ है आपका क्या लिखा है फॉर सी एच एक कैरेक्टर वेरिएबल है ये क्या है सी एच वेरिएबल इन अब यहां पे अभी हमने लिस्ट देखी थी यहां हम एक स्ट्रिंग दे रहे हैं अब सी ए एल एम है ना काम राइट और कॉलम लगा दिया ये फॉर लूप है ये हो गया आपका क्या वेरिएबल ये क्या है आपका वेरिएबल और इसके पहले हमने यहां पर सीक्वेंस में लिस्ट दिया था अब यहां पे स्ट्रिंग है सीक्वेंस में मतलब एक एक कैरेक्टर करके आगे बढ़ेगा आपका लूप लूप कितनी बार चलेगा चार बार कितने लेटर से चार लेटर है कौन सा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा जो आप यहां लिखोगे तो फॉर लूप में हम लिखते हैं क्या प्रिंट फंक्शन एक इंडेंटेशन सेट करने के बाद प्रिंट फंक्शन में हम सी एच की वैल्यू को प्रिंट करवा देंगे तो उसके अकॉर्डिंग देखो पहले वेरिएबल चेक हुआ वेरिएबल CH है CH की वैल्यू क्या है काम है तो सबसे पहले पहले वेरिएबल के लिए पहले डेटा आइटम के लिए लूप चला प्रिंट CH CH की मदद से क्या प्रिंट हुआ CH की मदद से C प्रिंट होगा ठीक है फिर से लूप चलेगा अब CH की वैल्यू में जो CH है वेरिएबल उसमें अगेन नया वैल्यू क्या है A तो प्रिंट सी एच से ए प्रिंट हुआ फिर से लूप चला नेक्स्ट वैल्यू एल है CH की प्रिंट से 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 हुआ, हुआ, फिर फिर लूप लूप चला, last value M है, है, चलेगा, अब कुछ भी नहीं है, तो प्रोग्राम लूप क्या प्रिंट किया ने चार डेटा आइटम्स आपके प्रिंट कर दिए व्हाट इज द आउटपुट ने चार बार एग्जीक्यूट किया है राइट right. सो so, ये लूप रिपीटेटिवली कितनी बार चला चार बार ठीक है स्ट्रिंग में कितने कैरेक्टर्स थे चार कैरेक्टर्स थे इसलिए सो so, स्ट्रिंग में कैरेक्टर होंगे तो लूप दस बार चलेगा बस बात यह है कि कैरेक्टर मिलना चाहिए स्ट्रिंग में जैसे लिस्ट में आइटम मिलता जाएगा इनका काम क्या होता है जब लिस्ट में आइटम मिलता जा रहा है तो ट्रू कंडीशन हो रही है तो ये एग्जीक्यूट हो रहा है जैसे ही नहीं मिला तो इनने फॉल्स रिटर्न किया जैसे यहां पे अगला कैरेक्टर नहीं मिला तो फॉल्स हो गया ये इनने फॉल्स रिटर्न किया तो फिर ये एग्जीक्यूशन बंद हो जाएगा सो so कंडीशन जब तक ट्रू रहेगी तब तक लूप एग्जीक्यूट करता रहेगा जैसे ही कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो लूप एग्जीक्यूशन बंद हो जाएगा आई बात समझ में में हियर इज फॉर लूप दैट प्रिंट्स द द स्क्वायर ऑफ ईच वैल्यू इन लिस्ट लिस्ट यहां आपको कुछ नंबर्स दिख रहे हैं वन टू थ्री ये जो फॉर लूप है ये क्या करेगा इसका स्क्वायर कर देगा स्क्वायर समझ में आता है टू टू जो थ्री थ्री जो नाइन फोर फोर जिक्सटीन है ना ऐसा स्क्वायर कर देगा कैसे देखो क्या लिखा हमने फॉर लूप लिखा वैल्यू लिखी जिसका स्क्वायर करवाना है का, किस नंबर का स्क्वायर करवाना है कितने अब क्या करवाना प्रिंट करवाना है क्या प्रिंट करवाना है आपको एक इंडेंटेशन सेट हुआ आपको प्रिंट करवाना है स्क्वायर तो इस वी में जितने भी नंबर्स होंगे उसका स्क्वायर होगा तो स्क्वायर मतलब सेम नंबर्स का आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा तभी स्क्वायर होगा राइट right. अब लूप स्टार्ट हुआ चलना तो जैसे लूप चलना स्टार्ट हुआ v की वैल्यू पहली मिली वन वन के लिए लूप चला स्टेटमेंट में आ गए हम अंदर वन वन हुआ आउटपुट क्या आया ठीक है ये वेरिएबल वैल्यू वन के लिए चला फिर से लूप चलेगा v के लिए नई वैल्यू टू पे आ गए फिर आ गए प्रिंट पर तो टू इंटू टू यहाँ कितना हो जाएगा फोर तो आपका आउटपुट क्या आ जाएगा यहां पर पहले आएगा वन फिर फोर फिर टू के बाद फिर से लूप चलेगा किसके लिए थ्री वाली वैल्यू के लिए यहाँ पे प्रिंट होगा थ्री थ्री भी वैल्यू यहां नहीं मिल रही है क्या अभी तक इन ऑपरेटर ने वन टू थ्री तीन थे तीनों के लिए ट्रू कंडीशन दिया और कैलकुलेशन हुआ अब कोई लिस्ट में आइटम ही नहीं बचा है तो इन फॉल्स रिटर्न किया उसके अकॉर्डिंग अब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा स्टेटमेंट एक्सिक्यूट नहीं होगा और आपका output हो जाएगा ही बात समझ में कि list में कि जितने items हैं, उतनी ही बार loop चलेगा, ठीक है? इन जब तक true return करेगा, तब तक ये लूप चलेगा क्लियर दोनों दोनों पढ़ो। लूप चलना बंद कब होता है जब आपके सीक्वेंस में आप एंड पे पहुंच जाते हो

ठीक है पांच लूप चल गया लेकिन वॉट अबाउट जब लिस्ट में मल्टीपल एलिमेंट्स हो बहुत सारे हो, तो क्या आप यहाँ पे को करते रहोगे? बहुत सारे एलिमेंट्स हैं तो कितना बट वॉट इफ यू अ वेरी लार्ज लिस्ट में list, जब आपकी लिस्ट बहुत लार्ज है सच कंटेनिंग नेचुरल नंबर बिटवीन वन टू थाउजेंड या वन टू हंड्रेड वन टू हंड्रेड तो क्या वन टू हंड्रेड नंबर क्या नहीं करेंगे ना सो so, उसके लिए क्या करेंगे फिर सो राइटिंग सच अग लिस्ट इज नाइदी नॉट गुडेबिलिटी राइट इजी नहीं होगा सो देन देन वी आर वेरी ओन यूज रेंज फंक्शन हम यहां पे क्या करेंगे रेंज फंक्शन का यूज करेंगे ठीक है फॉर बिग नंबर बेस्ड लिस्ट रेंज फंक्शन मतलब यहां पे आप रेंज स्पेसिफाई कर दोगे वन टू हंड्रेड राइट इस तरीके से रेंज फंक्शन में तो so को use कैसे करना है वो देख लेते हैं अब हम तो 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 का मतलब समझ में में आ आ गया? कि list में तो आप कम से से तो कर दे रहे लेकिन वही यदि जाते हैं, हैं, करने होते हैं, तो उसके लिए हम यहां पर इस प्रॉब्लम से बचने के लिए हमारे पास में रेंज फंक्शन दिया हुआ है सो फॉर बिग नंबर बेस्ड लिस्ट यू कैन स्पेसिफाई रेंज फंक्शन टू रिप्रेजेंट एज इन मतलब यहां पे आप यूज कर लो अब

ठीक है सपोज मैंने लिखा वन से लेकर टेन आपका रेंज फंक्शन के अकॉर्डिंग लूप एक बार चलेगा दो बार चलेगा तीन बार चलेगा चार पांच छह सात आठ नो दस बार लूप चलेगा ठीक है लेकिन जो आखिरी वाली वैल्यू होगी ना वो एग्जीक्यूट नहीं होगी रेंज फंक्शन हमेशा लास्ट वाली वैल्यू को एक्सक्लूड कर देता है क्योंकि ये जीरो से चलना शुरू होता है समझ में आ गई मेरी बात ये भी ध्यान रखना कि रेंज फंक्शन में ये हो गई आपकी स्टार्ट वैल्यू हो गई एंड वैल्यू इसके अकॉर्डिंग क्या लिखा हुआ एग्जाम्पल में फॉर वेल इन रेंज थ्री कॉमा एटीन तो अब यहाँ पे प्रिंट करवा रहे हैं हम वैल्यू की वेल well की वैल्यू मतलब थ्री वैल तो से चलना शुरू हुआ फोर प्रिंट फाइव सिक्स सेवन टू 18 तक ये लूप जाएगा लेकिन 18 प्रिंट नहीं होगा 17 पे आके रुक जाएगा रेंज फंक्शन हमेशा लास्ट वैल्यू एक्सक्लूड करके ही प्रिंट करता है वैल्यूज को एन नंबर्स प्रिंट करवाने तो एन माइनस ही प्रिंट करेगा ठीक है तो यहाँ पे आपको आउटपुट क्या मिलेगा ये लूप आपका थ्री से लेकर सेवनटीन टाइम्स तक चल जाएगा यहाँ पे थ्री से लेकर सेवनटीन वैल्यूज प्रिंट करेगा वहीं यदि आप चाहते कि हो कि नंबर्स की वैल्यू स्कीप हो जाए मतलब आप टू टू नंबर के या फोर फाइव नंबर स्कीप करवा के प्रिंट करवाना चाहते हो तो वो भी पॉसिबल है कैसे यहां पे आप रेंज फंक्शन को कुछ इस तरीके से यूज कर लो स्टार्ट वैल्यू स्पेसिफाई कर दो एंड वैल्यू स्पेसिफाई कर दो साथ ही आप स्टेप भी स्पेसिफाई कर दो कितने स्टेप आगे बढ़ना है सपोज आपने लिखा रेंज फंक्शन के अंदर कि आप वन से लेकर टेन नंबर प्रिंट करवाना चाहते हो टू टू स्टेप स्की सेवन फिर नाइन फिर फिर लेकिन लास्ट वाला नंबर इसके बाद इलेवन आ जाएगा तो नाइन तक ही प्रिंट करेगा लास्ट वाला नंबर यहाँ एक्सक्लूड हो जाएगा आई बात समझ में तो रेंज फंक्शन में आप स्टार्ट एंड साथ ही साथ स्टेप भी दे सकते हो क्लियर सो एग्जाम्पल समझ में आ गया ओके okay.

लेकिन लूप क्या है? लूप है। यहां आप दोंगे और उस के बेसिस पर लूप होगा। लूप की होगी। जब तक ट्रू रहेगी, तब तक लूप होगा। और जैसी कंडीशन फॉल्स हुई तो लूप चलना बंद हो जाएगा कैसे यूज करोगे जैसे फॉल लूप यूज करते हैं वैसे वाइल लिखा है वाइल के आगे, आगे आपको कंडीशन लिखनी है फिर लगा देना है कॉलन और देन लूप बॉडी आ जाएगी इंडेंटेशन के साथ ओके वेयर द लूप बॉडी में कंटेन सिंगल स्टेटमेंट और मल्टीपल स्टेटमेंट और एन एम्प्टी स्टेटमेंट द लूप लूपरेट्स वाइल द लॉजिकल एक्सप्रेशन टू ट्रू इू द एक्सप्रेशन बिकम्स फॉल्स द प्रोग्राम कंट्रोल द द लाइन आफ्टर लूप बॉडी ठीक है मतलब सपोज यहां आपने लिखा है लूप ठीक है यहां आपने कंडीशन स्पेसिफाई कर दी ठीक है और यहाँ पे आपने कॉलर लगा के तीन स्टेटमेंट लिख दिए अब ये कंडीशन जब तक ट्रू रहेगी तब तक तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे जैसे ये कंडीशन क्या होगी फॉल्स होगी

a इज इक्वल्स टू फाइव वाइल ए ग्रेटर देन जीरो फिर हम लूप में आ गए प्रिंट हेलो कॉमा ए ए इज इक्वल्स टू ए माइनस थ्री और फिर हम लूप के बाहर आ गए प्रिंट लूप ओवर मतलब बहुत ध्यान से समझना a इज इक्वल्स टू फाइव लिखा है वाइल लूप a ग्रेटर देन जीरो कॉलन लगा दिया ठीक है फिर अब आप लूप के अंदर आ गए प्रिंट प्रिंट करवा रहे हो आप हेलो और साथ में आप प्रिंट करवा रहे हो ए की वैल्यू भी Then, A is to A -3. और फिर उसके बाद आप लिख रहे हो प्रिंट लूप ओवर ठीक है सो यहां आप ध्यान से वैल्यू बताई की वैल्यू फाइवल है. है जिसकी वैल्यू फाइव फिर हमने वैल्यू शुरू किया और यहां हमने कंडीशन दी ये हो गई आपकी कंडीशन इज ग्रेटर चेक हुई कंडीशन इवेल्यूएट हुई और कंडीशन क्या इवेल्यूएट हो गई ट्रू तो वाइल कॉलन लगाया हमने और इसके बाद देखो ये आपका इंडेंटेशन सेट हुआ मतलब ब्लॉक के यही दो स्टेटमेंट है जितनी बार लूप चलेगा इतनी बार यही एग्जीक्यूट होंगे और ये वाइल के बाहर के क्योंकि यहां से इंडेंटेशन चेंज हो गया ये इंडेंटेशन आपको दिख रहा है समझ में आ गई मेरी बात कि वाइल्ड के सिर्फ यही दो स्टेटमेंट इसके बाद हो गया ये ये आपका सेम पे आप आ गए तो लूप के बाहर का स्टेटमेंट है और ये के के अंदर के दो है। यही मैं समझाना चाह रही हूँ क्लियर तो पहली कंडीशन हो गई आपकी ट्रू देन जीरो क्या ट्रू हो गई आपकी कंडीशन देन जीरो कंडीशन ट्रू तो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा आपका क्या यहां पर यहाँ पर स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा आपका हेलो और ए की वैल्यू फाइव प्रिंट हो जाएगी फिर आ जाओ यहां पर फाइव की जगह पर क्या है नई वैल्यू ए की टू है टू क्या जीरो से बड़ा है फिर से कंडीशन चेक हुई क्या टू जीरो से बड़ा है बड़ा है फिर से कंडीशन ट्रू हो गई तो अब प्रिंट स्टेटमेंट ने फिर से प्रिंट किया है किसके लिए टू के लिए, 2 के लिए? और वैल्यू ए की क्या है अब नई वैल्यू ए की टू है तो टू प्रिंट हो गया नीचे आ गए नेक्स्ट स्टेटमेंट में अब यहां देखो यहां पे अब चेक होगा आपका क्या यहां पे अब चेक होगा टू टू यहां चेक होगा टू माइनस थ्री क्या चेक होगा अब एक मिनट है हाँ। टू माइनस थ्री टू माइनस थ्री दैट इज माइनस वन टू दैट इज माइनस अब ए की नई वैल्यू हो गई आपकी माइनस की नई वैल्यू क्या हो गई माइनस वन लूप फिर से चलेगा अब टू की जगह माइनस वन पे चेक होगा क्या माइनस वन ग्रेटर है क्या नहीं यहां कंडीशन ट्रू से क्या हो गई फॉल्स हो गई यहां कंडीशन ट्रू से क्या हो गई फॉल्स हो गई जब फॉल्स हो गई कंडीशन तो ये दोनों स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होंगे क्या एग्जीक्यूट होगा लूप के बाहर आप आ जाओगे और प्रिंट होगा लूप ओवर कोई डाउट इसमें कोई भी डाउट नहीं ना समझ में आया अच्छे से क्या एग्जीक्यूट किया कैसे एग्जीक्यूट किया है देखो ए की वैल्यू फाइव है इनिशियली कंडीशन चेक होगी ए ग्रेटर देन जीरो लूप में एग्जीक्यूट होगा प्रिंट क्या एग्जीक्यूट होगा हेलो और ए ये एग्जीक्यूट होगा फिर आपका स्टेटमेंट इक्वल्स टू ए माइनस थ्री ये एग्जीक्यूट होगा

ठीक है जब ये लूप ए इज इक्वल टू टू के लिए फिर से चलेगा कंडीशन फिर से चेक होगी क्या टू ग्रेटर है कंडीशन अगेन ट्रू इवेल्यूएट हुई फिर से ये स्टेटमेंट प्रिंट होगा हेलो और ए की नई वैल्यू यहां हो गई टू फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा ए इज इक्वल्स टू टू माइनस थ्री अब ए की नई वैल्यू क्या इवैल्यूएट हुई माइनस वन फिर से ये लूप चला ए की वैल्यू माइनस वन के लिए ठीक है एक ही वैल्यू -1 के लिए लूप चला अब यहाँ पे कंडीशन फिर चेक होगी -1 इज ग्रेटर देन जीरो तो जब तक कंडीशन ट्रू थी तब तक तो ये दोनों स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुए बकायदा ठीक है और ये आउटपुट आपको मिलता भी गया लेकिन अब ये यह कंडीशन यहाँ पे आके हो गई है फॉल्स दैट इज -1 इज ग्रेटर देन 0 नहीं होगा

बंद हो जाएंगे और जो बाहर लिखे होंगे लूप के बाहर वो एग्जीक्यूट होंगे राइट अब इसका जो मैंने समझाया अभी वो स्टेप्स से यदि आप याद कर लोगे तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा क्या समझाया फर्स्ट स्टेप द लॉजिकल और कंडीशनल एक्सप्रेशन इन द व्हाइल लूप इज इवैल्यूएटेड सबसे पहले कंडीशन इवैल्यूएट होगी दैट इज ए ग्रेटर देन 0 स्टेप 2 स्टेप 2 में दो केसेस होंगे केस 1 इफ द स्टेप 1 इज ट्रू then all statement in the loop body is executed मतलब print hello और print जो uh, statement है a is equals a minus three वो execute हुए case two if result of step one is false यदि step one का result यहाँ false होता है then control moves to the next after the body of the loop यदि statement false हो जाता है तो बाहर आ जाएगा control ठीक है while loop में जो भी लिखा होगा वो execute नहीं होगा this step comes only if step two case one that is the result of logical expression was true ये step again and again तभी repeat होती रहेगी जब तक condition आपकी

मैग्नेट so, ब्रेन आपको प्रोवाइड करता है ना सिर्फ के टुवेल्व बल्कि सीबीएसई एनटीएससी टी स्पोकन इंग्लिश यूपी बिहार बोर्ड जैसे कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन भी हंड्रेड परसेंट फ्री ऑफ कॉस्ट विथ हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ और अब तो डियर स्टूडेंट्स मैग्नेट्रीस आपको बुक्स ई बुक्स की फैसिलिटी भी प्रोवाइड कर रहा है मतलब यदि आप किसी सब्जेक्ट्स की बुक्स या ई e बुक्स या सैंपल पेपर बुकलेट वगैरह को एक्सेस करना चाहते हो तो उसके लिए क्या करोगे डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक दिख जाएगी उस पर क्लिक करना है गूगल फॉर्म दिखेगा उसको फिल कर देना टीम आपसे कंसल्ट करेगी और आपको बुक्स और ई e बुक्स की फैसिलिटी प्रोवाइड करेगी सो मैग्नेट्रीन आपको हंड्रेड परसेंट फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड करता है ताकि आप अपने एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स को स्कोर कर सकते हो साथ ही साथ अपनी लाइफ में कुछ बहुत अच्छा अचीव कर सकते हो सो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारा वन शॉर्ट सीरीज कंप्लीट होता है क्योंकि हमने सारे चैप्टर्स के वन शॉर्ट्स को डिस्कस कर लिया अभी अभी है सभी चीज अवेलेबल है द वन ओनली मैग्नेट पर जिसकी मदद से आप अपनी एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स को स्कोर कर सकते हो साथ ही साथ अपनी लाइफ में कुछ बहुत अच्छा अचीव अच्छा कर सकते हो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में टिल थैंक यू सो मच